2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में टीम इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आगे खड़ी हो गई है और यह समस्या टीम इंडिया के लिए बेस्ट विकेट कीपर चुनने की है। टीम इंडिया के लिए विकेट कीपिंग के बारे में अगर बात करें तो MS धोनी के जाने के बाद में टीम इंडिया विकेट कीपर को लेकर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। विकेट कीपिंग के ऑप्शन के रूप में टीम इंडिया के पास में ऋषभ पंत, संजू सैमसन, KL राहुल और ईशान किशन का विकल्प उपलब्ध है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि ईशान किशन बहुत दिनों से टीम से बाहर चल रहे हैं। इसके साथ ही संजू सैमसन भी फॉर्म में नहीं है और इस वजह से टीम इंडिया के लिए असली विकेट कीपिंग का मुकाबला ऋषभ पंत और KL राहुल के बीच में चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आज का वीडियो ऋषभ पंत और KL राहुल के बीच में होने वाला है। सबसे पहले ऋषभ पंत के पूरे नाम के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत का पूरा नाम ऋषभ राजेंद्र पंत है। इसके साथ ही KL राहुल का नाम कन्नौर लोकेश राहुल है। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को हुआ तो वहीं KL राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 को हुआ है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में टेस्ट मैचों के बारे में बात करते हैं। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 18 अगस्त 2018 को डेब्यू किया तो KL राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में 26 दिसंबर 2014 को डेब्यू किया है। ऋषभ पंत ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला तो वहीं KL राहुल ने अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है। ऋषभ पंत एक लेफ्ट हैंड के बैट्समैन है तो वहीं KL राहुल राइट हैंड के बैट्समैन है। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 33 मैच खेले हैं तो वहीं KL राहुल ने टेस्ट में 50 मैच खेल रखे हैं। इसी बीच ऋषभ पंत ने जहां 56 पारी खेली है तो वहीं KL राहुल ने 86 पारी खेल रखे हैं। ऋषभ पंत ने 56 पारियों में 2271 रन तो वहीं KL राहुल ने 86 पारियों में 2863 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में दोनों खिलाड़ियों के एवरेज की बात करें तो ऋषभ पंत का टेस्ट में एवरेज 43.67 है तो वहीं KL राहुल का एवरेज 34.8 का है। ऋषभ पंत के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर 159 रन का है तो वहीं KL राहुल के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर 199 रन का है। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 5 सेंचुरी मारी है तो इसी के साथ KL राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में 8 सेंचुरी मार रखी है। अगर दोनों की 50 के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत ने 11 50 मारी है और इसी के साथ KL राहुल ने 14 50 मार रखी है। और अगर टेस्ट में स्टंपिंग की बात करें तो ऋषभ पंत ने 14 स्टंपिंग की है लेकिन KL राहुल अपने विकेट कीपिंग से एक भी स्टंपिंग नहीं कर पाए हैं। तो अब दोनों खिलाड़ियों के रिकॉर्ड देखते हुए यह लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत KL राहुल से बेहतरीन बल्लेबाज और विकेट कीपर है। तो अगर टेस्ट में बेस्ट की बात आती है तो ऋषभ पंत KL राहुल से टेस्ट में बहुत ही बेस्ट है। आगे अगर बात करें ओडे क्रिकेट के बारे में तो ऋषभ पंत ने 21 अक्टूबर 2018 को ओडे में डेब्यू किया तो वहीं KL राहुल ऋषभ पंत से पहले ही यानी 11 जून 2016 को ही ओडे में डेब्यू किया हुआ है। ऋषभ पंत ने जहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला तो वहीं KL राहुल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। ऋषभ पंत ने अब तक केवल 30 ओडे मैच खेल रखे हैं लेकिन KL राहुल ने ऋषभ पंत से भी दुगने यानी कि 77 ओडे मैच खेल रखे हैं। ऋषभ पंत ने अब तक ओडे में 26 पारी खेली है तो इसी के साथ KL राहुल ने ओडे में 72 पारी खेल रखी है। ऋषभ पंत के नाम ओडे मैचों में 865 रन है तो वहीं KL राहुल के नाम ओडे मैचों में 2851 रन है। अगर दोनों के एवरेज के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत का ओडे में एवरेज 34.60 का है तो वहीं KL राहुल का एवरेज ऋषभ पंत से भी ज्यादा यानी 49.50 का है। ऋषभ पंत के नाम ओडे में 1 शतक है तो वहीं KL राहुल के नाम ओडे में 7 शतक है। ऋषभ पंत ने ओडे में अब तक केवल 5 ही अर्धशतक मारे हैं तो वहीं KL राहुल ने ओडे में 18 अर्धशतक मार रखे हैं। ऋषभ पंत का ओडे में बेस्ट स्कोर 125 का है तो वहीं KL राहुल का ओडे में बेस्ट स्कोर 112 रन है। अगर दोनों के विकेट कीपिंग के बारे में बात करें तो ओडे क्रिकेट में ऋषभ पंत ने अब तक केवल 1 स्टंपिंग की है लेकिन KL राहुल ने 5 स्टंपिंग कर रखी है। तो ओडे क्रिकेट रिकॉर्ड देखते हुए यह साफ पता चलता है कि ओडे में ऋषभ पंत से बेहतरीन KL राहुल लगते हैं। हालांकि ऋषभ पंत ने अब तक KL राहुल से आधे मैच खेले हैं लेकिन अगर अब तक की बात करें तो अब तक KL राहुल ऋषभ पंत से आगे हैं। अब अगर आगे बात करें T20 के बारे में तो उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। T20 क्रिकेट में ऋषभ पंत ने 1 फरवरी 2017 को डेब्यू किया तो इसके साथ ही KL राहुल ने June 18, 2016 में डेब्यू किया है। ऋषभ पंत ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला तो वहीं KL राहुल ने अपना पहला मैच जिम्बाब्वे से खेला है। T20 क्रिकेट में ऋषभ पंत ने अब तक टीम इंडिया के लिए 76 T20 मैच खेले हैं तो वहीं KL राहुल ने 72 मैच खेले हैं। ऋषभ पंत ने 76 मैचों में 66 पारी खेली है तो वहीं KL राहुल ने 72 मैचों में 68 पारियों में खेला है। ऋषभ पंत के नाम अब तक 66 पारियों में 1209 रन है तो वहीं KL राहुल के नाम 68 पारियों में 2265 रन है यानी कि रनों के मामले में KL राहुल ऋषभ पंत से बहुत आगे हैं। आगे अगर एवरेज की बात करें तो ऋषभ पंत का T20 में एवरेज केवल 23.65 का है लेकिन इसी के साथ KL राहुल का एवरेज 37.75 का है। ऋषभ पंत का T20 में सबसे बड़ा स्कोर 65 रन है तो वहीं KL राहुल का सबसे बड़ा स्कोर 110 रन है। ऋषभ पंत के नाम T20 क्रिकेट में 1 भी शतक नहीं है लेकिन KL राहुल के नाम T20 क्रिकेट में 2 शतक है। 8 शतक के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत के नाम अब तक टी
T20 में मात्र 3 अर्धशतक हैं, तो वहीं केएल राहुल ने 22 अर्धशतक मारे हैं। तो अगर T20 के बारे में बात करें तो T20 में भी केएल राहुल ऋषभ पंत से बहुत ही आगे हैं। लेकिन अगर रिकॉर्ड से हट के बात करें तो केएल राहुल जहां टीम इंडिया के लिए ओपनिंग में या फिर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए फिनिशिंग का रोल निभाते हैं, और इस वजह से ऋषभ पंत को आंकड़े के आधार पर आंकना थोड़ा गलत होगा। और अगर हालिया फॉर्म देखी जाए तो हाल में ऋषभ पंत केएल राहुल से अधिक बढ़िया बैट्समैन है, क्योंकि केएल राहुल पिछले कुछ सालों में बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, तो वहीं ऋषभ पंत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी अपना शानदार दमखम दिखाया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।